Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. There were so many students who were asking me, sir, when you are going to start the ethics portion. So in the next few series of videos, I will be making videos on ethics. Due to some health issues, I was not able to make videos in last few days, but I hope now I'm feeling well and very soon I'll be making more videos now. So let's begin. So let's talk about what is ethics. So ethics is a system of moral principles that is concerned with human conduct. जो सबसे पहली चीज हमें एथिक्स के साथ समझनी है कि ये ह्यूमन के बिहेवियर और ह्यूमन के कंडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है. इट इंक्लूड्स द नॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग. एथिक्स बेसिकली करता क्या है, एथिक्स हेल्प्स अस इन क्लेरिफाइंग दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है. ये जज करने के काम आता है. एथिक्स हमारे एक्शंस को जज करता है. व्हेनेवर वी डू समथिंग, वी कीप ऑन जजिंग वेदर वी आर डूइंग राइट और वेदर वी आर डूइंग रॉन्ग. सो दैट इज व्हाट एथिक्स इज ऑल अबाउट. वी ऑल्सो थिंक्स अबाउट व्हाट इज मॉरली राइट और व्हाट इज रॉन्ग. हम मॉरली भी बहुत सोचते हैं. हम सब ने मॉरल साइंस पढ़ी हुई है इन आवर स्कूल टाइम. हम मॉरली भी बहुत ज्यादा सोचते हैं. एक होता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, एक होता है मॉरली सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए क्या सही है क्या गलत है. इन द सिंपल वर्ड्स, एथिक्स रेफर्स टू वॉट इज गुड एंड द वे ऑर टू गेट इट. तो बेसिकली एथिक्स है क्या, क्या चीज सही है उसको समझना और उसको आप कैसे कर सकते हैं, एंड वॉट इज बैड एंड हाउ टू अवॉइड इट, और क्या चीज बुरी है और आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं. सो दिस इज वॉट एथिक्स इज ऑल अबाउट. तो इसमें क्या क्या चीजों से, क्या क्या सोर्सेज हैं एथिक्स के, उसके बारे में बात करते हैं. तो रिलीजन से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, फिलोसफीज, कल्चर, ह्यूमन साइंस, ह्यूमन कॉन्सेंस, इंट्यूशन, रोल मॉडल, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेजेस. अगर देखा जाए बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में कुछ भी, जो भी चीज अवेलेबल है, उन सब से हमारे एथिक्स पे इफेक्ट पड़ता है. दे आर द की सोर्सेज ऑफ आर एथिक्स. जैसे हम छोटे होते हैं, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखते हैं, फिर टीचर्स को देखते हैं, फ्रेंड्स को देखते हैं, फिर धीरे धीरे अपने स्कूल जाते हैं, स्कूल से सीखते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, रोल मॉडल से सीखते हैं. ऐसी बहुत सारी चीजों से हम अपने सोर्सेज ऑफ एथिक्स को डिराइव करते हैं. मूविंग ऑन, ओरिजिन ऑफ एथिक्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो एथिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्ड एथोस. तो बेसिकली ये एथोस वर्ड से जनरेट हुआ है, एंड द लैटिन मोर्स विच मीन्स दैट कस्टम. तो इसका मेनली मतलब जो है वो कस्टम है, या जो वे ऑफ बिहेवियर है, या किसी ह्यूमन कैरेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस चीज को ये डिफाइन करता है. मैकिन्ज़ी डिफाइंड एथिक्स एज द स्टडी ऑफ वॉट इज राइट और गुड इन ह्यूमन कंडक्ट और द साइंस ऑफ आइडियल इन्वॉल्व इन द ह्यूमन लाइफ. तो कहने का मतलब यह है कि मैकिन्ज़ी ने भी अपने जो डेफिनेशन दी थी उसमें यही कहा था कि क्या चीजें सही हैं और क्या चीज गुड है एक ह्यूमन कंडक्ट में, वो हमें एथिक्स गाइड करता है, और क्या चीजें बुरी हैं और किन चीजों को अवॉइड करना है वो भी हमें एथिक्स ही बताता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स. तो सबसे पहली चीज एथिक्स क्या करता है, तो एथिक्स प्रोवाइड अस विद मॉरल मैपिंग. एक मॉरल मैप प्रोवाइड करता है, अ फ्रेमवर्क दैट वी कैन यूज टू फाइंड आवर वे इन थ्रू डिफिकल्ट इशूज. जब भी हमारे सामने कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है जहां हमें कुछ डिसीजन लेना होता है, तो वहां पर हमारा जो एथिक्स होता है वो हमें एक गाइडेंस देता है, एक हमें एक मैप प्रोवाइड करता है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. मूविंग ऑन टू द सेकेंड थिंग दैट इट हेल्प्स अस रिजॉल्विंग द मॉरल इश्यूज. तो एथिक्स डज प्रोवाइड गुड टूल्स टू थिंक अबाउट मॉरल इश्यूज. जैसा मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि एक चीज होती है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और एक चीज होती है कि मॉरली क्या सही है और क्या गलत है. तो उस चीज को भी ढूंढने में कि मॉरली क्या सही है, वो एथिक्स एक अच्छे टूल की तरह काम करता है. डजंट ऑलवेज शो द राइट आंसर टू द मॉरल प्रॉब्लम, बट इट कैन एलिमिनेट कंफ्यूजन. ऑब्वियसली एथिक्स के थ्रू हर क्वेश्चन का जवाब तो नहीं मिल सकता, राइट, बट ये एक तरह से हमारे कंफ्यूजन को दूर करने में हेल्प कर सकता है. कई बार एथिक्स में आप देखोगे कि आपको ये नहीं पता होता आपको क्या करना है, बट आपको ये जरूर पता होता है कि मुझे क्या नहीं करना है. तो एथिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमें क्या नहीं करना है, वो हमारे एथिक्स में क्लैरिटी से हमें कहीं ना कहीं पता चल जाती है. आफ्टर दैट इट इज अप टू द इंडिविजुअल दैट कम्स टू हिज ओन कंक्लूजन. ऑब्वियसली लास्ट में जो डिसीजन होता है वो तो हमारा खुद का होता है कि हमें क्या सही लगा उस सिचुएशन में, हम वही करते हैं. ensures individual as well as social good. Obviously, ethics is an attempt to guide human conduct. जैसा मैंने आपको बताया था definition में भी कि human conduct को guide करता है. It is also an attempt to help men in leading good life. Obviously, अगर आप अच्छे decisions लेते हो, आपको लगता है morally, ethically आपने सही decisions लिए हैं, तो वो आपकी life को shape up करने में काफी help करता है. It aims at individual good as well as social good. जैसा मैंने आपको कहा था, हम हमेशा वो decision लेना चाहते हैं जो हमारे लिए भी अच्छा हो और society के लिए भी अच्छा हो as a whole. सो दैट की ओवरऑल मैनकाइंड का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. रिजॉल्व्स एथिकल डायलेमास. एथिकल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब बहुत सारे एथिकल वैल्यूज होते हैं, जैसे हम ऑनेस्टी सीखते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, ट्रस्ट सीखते हैं. इन सब चीजों से कहीं ना कहीं हमारे एथिक्स का जो एक कहते हैं ना कि एक
पाथवे बनता है और उस पाथवे से हमारे एथिकल डायलमास को खत्म करने में हमारी काफी मदद मिल जाती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड प्रेजुडिस. एप्लीकेशन ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल वैल्यूज इन आवर लाइफ हेल्प अस टू डीकंस्ट्रक्ट द रॉन्ग कंसेप्शन एटीट्यूड हेल्प अस टू अवॉइड बायसनेस. अब कहीं ना कहीं होता क्या है, हम सोसाइटी में देखते हैं लगातार कोई ना कोई चीजों को लेकर लोग बायस्ड हो जाते हैं. जैसे लोग रिलीजन को लेकर हो सकते हैं, लोग कई बार इंस्टीट्यूशन को लेकर हो सकते हैं, लोग अपनी फिलोसफीज को लेकर हो सकते हैं, लेकिन आपके जो अपने एथिक्स होते हैं वो आपको बायसनेस से बचाने की कोशिश करते हैं. वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं कि इनमें मुझे क्या सही लग रहा है, क्या चीजें मुझे लगता है ये सही है और क्या चीजें गलत है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ एथिक्स. अगर अब एथिक्स नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है. ऑब्वियसली अगर एथिक्स का इशू है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस में काफी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप कास्टिज्म बहुत ज्यादा कर सकते हैं, आप में सेल्फिशनेस बहुत आ जाती है, आप चीटिंग करते हैं, आप अनएथेटिक हो जाते हैं, आपका अब्यूजिंग बिहेवियर होता है. ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी अगर हमारे अंदर एथिक्स की कमी है. अगर हम कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू आ जाता है, लोग आप पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली आपका एथिक्स ही अगर राइट नहीं है तो हाउ पीपल कैन ट्रस्ट यू. देन सोशल लेवल पे क्या इशू आते हैं. ऑब्वियसली दिस विल लीड टू मोर करप्शन, लोग काफी करप्ट करते हैं. इसके अलावा वुमन को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हैं लोग, उसको कॉमोडिफाई करते हैं कहीं ना कहीं. मेटरलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसके बाद ड्रग एडिक्शन बढ़ता है, वायलेंस बढ़ता है, ऐसी बहुत सारी चीज, जेंडर क्राइम्स बढ़ते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें बढ़ते हैं. इसीलिए कहते हैं हम सोसाइटी में एक एथिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल वैल्यूज होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सोसाइटी कैन गो इनटू एब्सोल्युटली रॉन्ग डायरेक्शन. पॉलिटिकल लेवल पे क्या इशू हो सकता है, तो ऑब्वियसली क्रिमिनलाइजेशन हो सकती है पॉलिटिक्स में, पावर का अब्यूज हो सकता है, पावर का कंसंट्रेशन हो सकता है, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वायलेंस हो सकता है, कम्युनलिज्म हो सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि बहुत कॉमनली उन सोसाइटीज में देखने को मिलती है जहां पर कि हमारे एथिक्स का इशू है. इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी हर कंट्री में भी, एक कंट्री के लेवल पर भी आप देखोगे तो एथिक्स को मेजर किया जाता है कि किसी कंट्री का एथिकल वैल्यू किस लेवल पर है. अब ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे क्या है, तो ऑब्वियसली नेपोटिज्म बढ़ जाएगा, करप्शन बहुत बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पनिशमेंट्स जो होंगी, पनिशमेंट पोस्टिंग्स होंगी, रेड टेपिज्म होगा, ऐसे पर्सनल गेन होगा, फेवरेटिज्म होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इवन एट ब्यूरोक्रेटिक लेवल. तो आप देख सकते हो कि एथिक्स अगर ना हो तो इंडिविजुअल लेवल से लेकर हर लेवल पे, सोशल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, ब्यूरोक्रेटिक लेवल, हर लेवल पर आपको कहीं ना कहीं इश्यूज देखने को मिलते हैं. और इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको देखने को मिलते हैं. सीज फायर का वॉलेशन लगातार हमारी कंट्री तो हमेशा फेस करती रहती है, आप देख सकते हो. बॉर्डर एरिया पे लगातार इंक्रोचमेंट होना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ना, ट्रैफिकिंग होना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, ऐसी बहुत सारी इलीगल ऑक्यूपेशन होना, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है इवन एट इंटरनेशनल लेवल. तो एथिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बता दिया, मैंने आपको उसकी एब्सेंस में क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया. इसके अलावा स्कोप की भी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सो दैट कि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो. तो स्कोप ऑफ में हम सबसे पहली चीज जानेंगे कि जो एथिक्स इंडिकेट करता है कि इट्स अ सब्जेक्ट मैटर, इट इंक्लूड्स व्हाटएवर हैज द रेफरेंस टू फ्यू ह्यूमन एक्ट्स. अब एक चीज हमें समझना पड़ेगी कि एथिक्स जो होता है ना वो कभी बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, ये समझना पड़ेगा हमें. ये सब्जेक्टिव होता है, इट इज हमेशा सब्जेक्टिव होता है. मेरे लिए कोई चीज हो सकता है एथिकली बिल्कुल राइट है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो एथिकली रॉन्ग है. आप ऐसे देख लो कि बहुत सारे एग्जाम में देखो, अगर कोई चीटिंग कर रहा होता है तो जो चीटिंग करता है वो कहता है भाई मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूं तभी मैं ये काम कर रहा हूं, मैं अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं. ऑन द अदर साइड बाकी लोगों के लिए हो सकता है वो गलत कर रहा है. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसको समझना कि ये एक वॉलंटरी एक्शन पर डिपेंड करता है, इसको आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते. वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एक्शन एंड द एक्शन ऑफ ह्यूमंस. अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन का एक्शन और एक्शन ऑफ ह्यूमंस दोनों अलग अलग चीजें हैं. ह्यूमन एक्शन आर दोज एक्शन दैट आर डन बाय ह्यूमन कॉन्शियसली डिलीबरेटली इन द व्यू ऑफ. अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन एक्शन जो होता है वो डिलीबरेट होता है, वो चीज होती है जो कि लोग कॉन्शियसली करते हैं, जबकि एक्शन ऑफ ह्यूमंस जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, इंटेंशनल नहीं होता. तो इसीलिए जो ह्यूमन एक्शन है वो एथिक्स से जुड़ा हुआ है. एक्शन ऑफ ह्यूमंस जो होता है वो कई बार स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, राइट. हम कई बार गलत काम कर देते हैं जो हम सोच कर नहीं करते, अनइंटेंशनली हो जाता है हमसे, ठीक है. एक्शन ऑफ ह्यूमंस में ऑल्सो भी विलफुली मे नॉट बी विलफुली वॉलंटरली. जैसा मैंने आपको जस्ट बताया कि एक्शन ऑफ ह्यूमंस जो होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो कि हमें उतना ज्यादा हम सोचते नहीं उसके बारे में, और उसको जैसे स्लीपिंग होगी, वॉकिंग होगी, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज जो आप करते हो उसमें आपको कुछ एथिकली गलत नहीं लगता और आप उसको करते हो क्योंकि कॉन्शियसली आप उसके बारे में इतना सोचते नहीं हो, राइट. मूविंग ऑन, एथिक्स इज एसेंशियली रिलेटेड टू ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज. अब ये की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हर जगह एप्लीकेबल है, लीगल स्टडीज में, साइकोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में,
इन्वायरमेंटल स्टडीज में, इकोलॉजी, मतलब कहने का मतलब है हर एरिया में, बिजनेस में, हर एरिया में आपको एथिक्स का इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि अगर एथिकल कोई कंपनी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप कभी उन कंपनीज पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी कंपनीज बंद हुई हैं क्योंकि उनके एथिकल प्रैक्टिसेस नहीं थे, राइट। एथिक्स इज कंसर्न टू पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, फिजिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, और इसी वजह से अगर इन चीज़ों पर आप एथिकली आप अच्छे हो तो इन सभी चीज़ों में आप अच्छा करोगे, एंड दीज प्रॉब्लम हैव एन एडिशनल प्लेस इन द स्कोप ऑफ एथिक्स। और इसी वजह से हर जगह, हर कंट्री एथिकल इशूज को कहीं ना कहीं एक टॉप प्रायोरिटी में लेकर चलती है, और इसी वजह से नॉन एथिकल प्रैक्टिसेस के ऊपर हमेशा सजा सुनाई जाती है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसकी सजा दी जाती है। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट टॉपिक जो हमने एथिक्स से शुरू किया है ये आपको समझ में आ गया हो। आने वाले कुछ वीडियोस में हम इसके नेचर, डिटरमिनेंट, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वाली प्रेजेंटेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसके पहले भी मैंने एक वर्चुअल एथिक्स के ऊपर लेक्चर पढ़ाया था, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, and I hope कि आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा। डू शेयर इट विद अदर्स also, and डू सब्सक्राइब टू my channel।